एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शालू प्रिंसी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। सो गाइज, इसके पिछले व्लॉग में आपने देखा कि मैं अड्डवार पहुंच चुकी हूँ और हम तैयार वार होकर लंच कर चुके हैं। उसके बाद से यहाँ पे ये व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम जैसे ही पहुंचे लंच वच करने के बाद, हम आ गए सेलुलर जेल घूमने, क्योंकि प्लॉट फ्लेयर अड्डवार में सिर्फ सेलुलर जेल घूमने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है गाइज, और डे वन पे हमें वही कवर करना था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी शाम के 4 बज रहे हैं और हम आ चुके हैं पोर्ट ब्लेयर के सेलुलर जेल में। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, सारे टूरिस्ट आए हुए हैं। टिकट वगैरह लेने के बाद हम आ गए अंदर, और अंदर आके सबसे पहले हमने देखा यहाँ का म्यूज़ियम, जो कि बहुत ही सुंदर बनाया गया था। और यहाँ पर बहुत सारे फ़ोटोज़, फ़ोटोज़ और जो भी दस्तावेज उस ज़माने के थे, वो सारी चीज़ें अच्छे से रखी गई थी और सारे पे प्रॉपर लेबलिंग की गई थी कि ये का क्या है, ये क्या है। आप चाहो तो यहाँ पे आने के बाद गाइड भी ले सकते हो, बट हमें गाइड की नीड नहीं लगी, इसलिए हमने गाइड नहीं लिया। यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, और ये सेलुलर जेल का मॉडल है जो कि बना के शीशे में रखा गया है कि ये पूरा सेलुलर जेल कैसा है। बहुत ही सुंदर मॉडल है गाइज, बहुत ही सुंदर लग रहा था इसे देखने के लिए, मुझे बहुत ही एक्साइटमेंट हो रही थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं खड़ी हूँ और यहाँ पर सारे फ़ोटोज़ वगैरह लगी है, ब्रिटिशर्स हैं, इंडियंस हैं, जो भी इस जेल में थे उन सभी की फ़ोटोज़ वगैरह लगी हुई है। यहाँ पे मैं शार्वी की फ़ोटो क्लिक कर रही हूँ सेलुलर जेल के मॉडल के साथ, और शार्वी और उसकी फ्रेंड दोनों ही है और बहुत ही अच्छे से दोनों फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं। आजकल के बच्चे फ़ोटो क्लिक करवाने में एक बिल्कुल एक्सपर्ट हो चुके हैं। म्यूज़ियम देखने के बाद हम एंटर करते हैं अंदर, और अंदर आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले सिटिंग एरिया बना हुआ है। सिटिंग एरिया बना हुआ है इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इवनिंग में नाइटेड साउंड शो होता है, जिसको कि आप देख सकते हैं, और इसकी भी प्रॉपर टिकट होती है जो कि आपको लेना पड़ता है बाहर काउंटर से। और अगर आप सेलुलर जेल विजिट करने आ रहे हो तो इसके भी टिकट लगती है, और लाइट शो की भी टिकट लगती है, तो आप इकट्ठे ले सकते हो, या फिर लाइट शो की जो टिकट है वो आप ऑनलाइन भी ले सकते हो। वहाँ पे टिकट काउंटर के पास बाहर में लिंक प्रोवाइड किया गया है, आप उस पर लिंक पे क्लिक करो और वहाँ से अपना टिकट बुक कर सकते हैं। 30 स्लॉट में लाइटेड साउंड शो चलता है, 6:50, 7:50 और आई थिंक इवनिंग 5:50 से। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइड्स वगैरह भी है जो कि बता रहे हैं पूरे जेल की हिस्ट्री को, कैसे इस जेल में क्या हुआ, कैसे हुआ, बाकी सारी चीज़ें कहाँ पे क्या है, कौन चीज़ किस चीज़ के लिए फेमस है, वो गाइड वगैरह बहुत ही अच्छे से बता रहे थे, बट हमने गाइड नहीं लिया था। और आप देख सकते हैं, अब ये जेल सिर्फ और सिर्फ टूरिस्ट के लिए ही है, और यहाँ पे लोग विजिट करते हैं और देखते हैं। यहाँ पर ये एक और म्यूज़ियम जैसा था, इसमें भी हम अंदर गए और यहाँ पर बहुत पुरानी चीज़ें रखी हुई थी, लाइक उस ज़माने के खाना बनाने के इक्विपमेंट्स, लाइक वो चक्की होता है जो आटा पीसने के लिए आता है, ये बता रहे थे कि ये तेल निकालने के लिए होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो उस ज़माने में इस्तेमाल की हुई जाती थी वो सारी चीज़ें यहाँ पे थी। और यहाँ पे जो भी कैदी थे उन सब से ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करवाई जाती थी एज अ पनिशमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टैचू बना हुआ है, और इस तरह से कैदी को लटका कर वो यहाँ पे उड़े पीटते थे या फिर यात्राएं देते थे, जिसको देख कर अब मेरी आंखों में आंसू आ गए कि कैसे वो उस ज़माने में लोग इस चीज़ को हैंडल करते होंगे और कैसे ये सारी चीज़ें झेलते होंगे ना। सच में गाइज, लिटरली मुझे आंख में आंसू आ गए। और यहाँ पे देख सकते हैं, वो प्रॉपर एक बंदा है जो कि सब चीज़ें बता रहा है, और यहाँ पर फ़ोटोज़ वगैरह है, यहाँ पर स्टैचूज़ वगैरह भी बने हुए हैं जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था, बट बहुत दुखी भी हो रहा था। उसके बाद हमने देखा ये, इसको कहते हैं फांसी रूप, जहाँ पे कैदियों को जिसको सज़ाएं बहुत दी जाती है उनको फांसी लगाने का ये कमरा है। और ये देखिए, उस ज़माने की ये रस्सी टंगी हुई है, देख के तो गाइज मुझे ना मतलब ऐसा लगा कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, इतना दुख हुआ ना, इतना दुख हुआ। उसके बाद उसी से हमें जाना था नीचे सीढ़ियों से, और ऊपर वो फांसी की सज़ा दी जाती है, और यहाँ नीचे ये डोर जैसा है ये ओपन होता है और नीचे की ओर वो बॉडी आता है और उसके बाद डेथ हो जाती है। तो इस तरह से फांसी दी जाती थी यहाँ पर, ये पूरा बनाया हुआ है, और मुझे देख करके ही मतलब रोना आ रहा था, इतना ज़्यादा रोना आ रहा था मुझे, मैं वहाँ पर एक मिनट भी नहीं टिक पाई, मैं जल्दी से वहाँ से निकल के आ गई। मुझे लग रहा था कि वो क्या
पेन वो फील करते होंगे ना, वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे जाने लगे जेल के अंदर, क्योंकि जो चीज़ें बाहर थी हमने वो कवर कर ली, और एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट जो है हर तरफ अलग अलग है। ये अब आ गए जेल के अंदर, और ये जेल 3 फ्लोर का है, 3 या 4 फ्लोर आई थिंक था। और ये सारे सेल्स हैं जिसके अंदर कैदियों को रखा जाता था, और ये उसका डोर है गाइज, आप देख सकते हैं कितना मोटा और कितना हैवी लॉक वगैरह लगा रखा है। और अंदर बिल्कुल अंधेरा है, आप देख सकते हैं बाहर कितनी रोशनी है, पर जेल के अंदर उतना ही अंधेरा है। और कैसे मतलब यहाँ पे लोग सरवाइव करते होंगे ना, मैं यही सोच के हैरान थी, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे बस लाइट और वेंटिलेशन के लिए बस ये एक छोटा सा विंडो था, बस इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं था पूरे कमरे में, कोई लाइट कुछ भी नहीं, और ये लॉक रहता था। किसी किसी सेल में टूरिस्ट के लिए लाइट लगा दिया गया था, इस वजह से ये आपको लाइटेड दिख रहा होगा, वरना मोस्ट ऑफ द सेल ऐसे ही थे जिसमें बिल्कुल लाइट नहीं था और बिल्कुल अंधेरा था। यहाँ पे मैं लॉक लगाने की कोशिश कर रही थी, और ये देख सकते हैं मेरी कोशिश के बाद यहाँ पे शार्वी भी खड़ी हो गई, और लॉक भी काफ़ी ज़्यादा हैवी था, देख के ही मतलब लग रहा था कि अगर इससे किसी को चोट भी लग जाए ना तो अच्छा खासा चोट लगे। उसके बाद हम यहाँ पे और भी सेल्स में गए, सारे सेल्स एक जैसे ही थे, और यहाँ पे ना सबकी फोटोज़ वगैरह भी लगी हुई थी कि किस सेल में कौन थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटो है, और यहाँ पे वो उनका सोने का वो चौकी था, उसी पे उनकी फ़ोटो रखी गई थी। और ये बहुत ही मतलब देखने में तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, लग रहा था कि कैसे वो लोग ये पेज झेलते होंगे। यहाँ पे दीवार पे जो भी पॉलिटिशियंस जो पंजाब से, महाराष्ट्र से, बिहार से, और भी इंडिया के जो जो स्टेट्स से थे उनके नाम लिखे हुए थे, और ये ऊपर जाने का भी रास्ता था। तो मतलब सारी चीज़ें प्रॉपरली अरेंज की हुई थी, और ये टूरिस्ट लोग को बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो, बिल्कुल अच्छे से किया हुआ था। और आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे का व्यू कितना सुंदर लग रहा है बाहर का, बिल्कुल ग्रीनरी ग्रीनरी, बट जेल तो जेल ही होता है गाइज, और हम इसको इमेजिन भी नहीं कर सकते कि क्या उस समय की सिचुएशन रही होगी, कैसे वो लोग रहते होंगे ना, इमेजिन करना ही मतलब अपने आप मेरा रोंगटे खड़े करने वाली बात थी, बिल्कुल मेरे आँख में तो आंसू आ रहे थे। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हम ऊपर वाले फ्लोर पे आ गए, सारे सेल्स एक जैसे ही थे, हमें तो एक जैसे ही लगे सारे, कुछ साइज़ में थोड़े छोटे और कुछ साइज़ में थोड़े बड़े थे, पता नहीं उनका कुछ डिफरेंट होगा, बट सारे एक जैसे ही थे। बट हम सारे फ्लोर पे घूमे, और इसके बाद हम ये जा रहे हैं ऊपर टॉप फ्लोर पे। टॉप फ्लोर से जो व्यू है ना बहुत अच्छा है, और ये छत का व्यू है, ये टॉप फ्लोर का व्यू है, आप देख सकते हैं चारों तरफ से समुद्र समुद्र समुद्र, और बीच में ये जेल, और बीच में ये आइलैंड, ये पूरा आइलैंड चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, आप देख सकते हैं। और व्यू तो गाइज बहुत ही सुंदर है, बट मन में जो एक दुख और एक जो तकलीफ़ हो रही थी ना, उसकी मैं क्या ही बात बताऊँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे बहुत लोग रह भी रहे थे, घर था, होटल्स थे, सारी चीज़ें थी, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं ऊपर आई, और ऊपर भी अच्छे अच्छे व्यूज़ देखे, और कुछ मैंने अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई, और एक तरफ का ही ओपन किया गया था, बाकी दो साइड का बंद था, क्योंकि व्यू सब जगह का एक ही था, इसलिए एक साइड ही ओपन किया गया था, बाकी डोर से क्लोज कर दिया गया था। उसके बाद हम लोग आए वीर सावरकर जी के सेल में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वीर सावरकर सेल है, और हम यहाँ पे आए और इस सेल को देखे, ये सेल सबसे स्पेशल था। और यहाँ पे वीर सावरकर जी ने, हमने लाइटेड साउंड शो पे सुना है कि इस सेल पे वीर सावरकर जी ने 10 साल बिताए हैं। जी हाँ गाइस, 10 साल का एक लंबा वक्त उन्होंने यहाँ पे बिताया है। और यहाँ पे देखिए उनको कैसे फोटो में दिख रहा है कि वो बेड़ियों से मतलब जकड़े हुए थे, देख करके ना बिल्कुल मेरी आंखों में आंसू आ गए। और यहाँ पे उनका वो नेमप्लेट भी लगा हुआ था, फोटो भी लगा हुआ है, जो कि बहुत ही अजीब सा लग रहा था मुझे देख के। और ये ऊपर से व्यू है। उसके बाद सारा घूमने के बाद हम आ गए नीचे, और नीचे भीड़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, क्योंकि यहाँ पे ना 5 o'clock पे जेल में जितने लोग हैं, विजिटर्स हैं, जो भी टूरिस्ट है उनको बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि 5:50 से लाइटेड साउंड प्रोग्राम होता है, आप 4 o'clock तक ही एंटर कर सकते हो, उसके बाद से आप एंटर नहीं कर सकते हो। मॉर्निंग टू आई थिंक 9 या 10 बजे से ये खुलता है, और इवनिंग में 4 साढ़े 4 बजे तक रहता है, और उसके बाद फिर
5:30 से लाइटेड साउंड प्रोग्राम के लिए एंटर करते हैं। लाइटेड साउंड प्रोग्राम का भी वीडियो मैंने शूट किया है, जिसको कि मैं एक सेपरेट व्लॉग में इस व्लॉग के बाद आप सभी को दिखाऊंगी। बहुत ही अच्छा लाइटेड साउंड प्रोग्राम है, आप देखोगे ना आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। और पूरी कहानी कैसे ये जेल बना, कैसे इसमें किस किस पॉलिटिशियन को यातनाएं दी गई, कौन कौन से पॉलिटिशियन यहाँ पे थे, कौन कौन स्वतंत्रता सेनानी थे, सारी चीजें आपको दिखाई जाएगी। इस व्लॉग के बाद मैं उस व्लॉग को भी लाइटेड साउंड प्रोग्राम को मैं डालूंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हम बाहर की ओर जा रहे हैं। बाहर की ओर जाने के बाद हम चले गए अपने होटल, क्योंकि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम था और हमें जो लाइट एंड साउंड प्रोग्राम का स्लॉट मिला था वो 7:50 का था। और लाइट एंड साउंड प्रोग्राम कुछ 40 या 45 मिनट्स का होता है, तो अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम था, तो हमने डिसाइड किया कि हम होटल चले जाते हैं। और सेलुलर जेल से हमारा होटल मात्र 2.5 किलोमीटर्स की दूरी पे था, तो हमने ऑटो लिया और ऑटो से हम चले गए होटल की थोड़ी देर रेस्ट कर लेंगे। और समुद्र के बीच में ये आइलैंड और ये रोड वगैरह बहुत ही खूबसूरत और मनमोहक नज़ारा था गाइज, बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। और यहाँ पर आप देखेंगे, मैं आगे आपको दिखाऊँगी, मार्केट वगैरह सारी चीज़ें हैं यहाँ पर और प्रॉपरली डेवलप्ड हैं। आप अगर जाना चाहते हो ना तो डेफिनेटली जाओ, और मोस्ट रिकमेंडेड प्लेस है, बहुत ही अच्छा लगेगा गाइज आपको। यहाँ पे बिल्कुल शांत वातावरण, भीड़ भाड़ से दूर, बहुत ही अच्छा आप फील करोगे, बिल्कुल रिलैक्स आप हो जाएगा आपका मन, बहुत ही अच्छा लगा। मैं तो बहुत खुश हो गई अंडमान जा कर के। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रस्ते में ही हूँ मैं, और यहाँ पे ये मार्केट एरिया वगैरह है, यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल है मार्केट में, और फुली डेवलप्ड मार्केट है, आप जो भी ढूंढोगे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और ये मार्केट का भी व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा था, लाइट वगैरह देखिए, क्लोथ्स के शॉप्स हैं, ज्वेलरी शॉप्स हैं, सारी चीज़ें हैं। इवन मैंने तनिष्क की शोरूम भी देखी है यहाँ पे, जो कि मेरे लिए एक सरप्राइजिंग था कि तनिष्क की शोरूम भी अवेलेबल है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक डेढ़ घंटे होटल में आराम करने के बाद हम आ गए इवनिंग के टाइम में लाइट एंड साउंड शो देखने के लिए। और आप देख सकते हैं लाइट एंड साउंड शो से पहले ही अंधेरे हो जाने से बाद आप देख सकते हैं पूरे जेल की लाइटिंग ऑन हो चुकी है, और बाहर से बहुत ही सुंदर सा लग रहा है। आप बाहर से देख के नहीं कहोगे कि ये जेल है, और यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो प्रोग्राम शुरू हो चुका है, एग्जैक्ट 7:50 स्टार्ट हुआ था। इस भूख हड़ताल का असर पूरे देश पर पड़ा, जगह जगह कैदियों के समर्थन में आंदोलन होने लगे, सारे देश के राजनीतिक बंदियों ने अनशन शुरू कर दिया। से भूख हड़ताल समाप्त करने की अपील की, और 28 अगस्त 1937 को गांधी जी ने सेलुलर जेल के बंदियों को तार से संदेश भेजा। मैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और वर्किंग कमेटी की राय में अपनी अपील भी जोड़ना चाहता हूं। आप सर हड़ताल वापस ले लें और हम पर भरोसा रखें, हम आपको राहत दिलाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। कि सारे देश ने हमारी मांगों और हमारे उद्देश्य को अपना बना लिया है। वंदे मातरम। 36 दिन के संघर्ष, एक और सरल दौर शुरू होने वाला था। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ और 1900 हालांकि अंडमान पर जापानियों का कब्जा सिर्फ
मगर जापानी उन्हें जेल के उन हिस्सों में नहीं ले गए जहां वो सैकड़ों कैदियों को जासूस करार देकर तकलीफें पहुंचाते थे। अपनी छोटी सी अंडमान यात्रा के दौरान नेताजी ने तिरंगा भी फहराया। अगस्त 1945 में दूसरा महायुद्ध समाप्त हुआ और 3 साल 6 महीने 15 दिन के कब्जे के बाद अक्टूबर 1945 में अंडमान की जापानी छावनी ने अंग्रेजों के आगे हथियार डाले। सेलुलर जेल के फाटक एक बार फिर खुले और कैदियों को रिहा कर दिया गया। इसके बाद 2 साल के अंदर अंदर भारत में ब्रिटिश सरकार का शासन खत्म हो गया। अंडमान द्वीप समूह अब काला पानी के खौफनाक नाम से नहीं जाना जाता, लेकिन ये सारी तकलीफें जो आजादी के प्रेमियों ने यहां झेली, वो सारी कुर्बानियां जो देशभक्त वीरों ने यहां दी, आज भी देशवासियों के दिलो दिमाग पर छपी हुई है। इसीलिए अंडमान के भूतपूर्व राजनीतिक बंदियों के भ्रातृत्व मंडल की इच्छा को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने 30 अप्रैल 1969 को घोषणा की कि सेलुलर जेल को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा। भारत की आजादी के दीवानों ने जो अमानवीय यातनाएं इस कारागार में सही ताकि भारतवर्ष आजादी की उन मुक्त हवाओं में सांस ले सके, उन बलिदानों को आने वाली पीढ़ियां भूल नहीं। फ्रेंड्स, इस व्लॉग में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में मैं पूरा लाइट एंड साउंड शो दिखाऊंगी और विदाउट एनी वॉइस ओवर्स, पूरे ओरिजिनल वॉइस के साथ। तो इस व्लॉग को कर रही हूँ मैं यहीं पे एंड। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा हो, और अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।